नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब बात करें आज खबर की तो राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें जो है आज महत्वपूर्ण काम हो सकता है। इसके संदर्भ में बात करें आपकी स्क्रीन पर, नए जिले और संभागों की आज अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि अगस्त में लगभग बोला गया था इसका परिसीमन भी जारी हो जाएगा, अधिसूचन भी जारी हो जाएगा, अधिसूचना भी इसका यानी कि बता रहे थे 12 जिलों के आसपास जो है इसकी अधिसूचना और परिसीमन जारी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये बात है। दूसरी बात करें तो इसके संदर्भ में देखें तो आज जो 1 लाख की भर्तियों की घोषणा की गई थी बजट में, उस पर भी आज बात हो सकती है और किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी आएगी इसकी बात भी निकल कर सामने आ सकती है या फिर कोई विज्ञप्ति जारी हो सकती है। ये तो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जब निष्कर्ष निकल के आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो आशंका जताई जा रही है वो ये है कि नए जिलों का परिसीमन की अधिसूचना आज जारी हो सकती है, क्योंकि अब वक्त भी कम बचा है सरकार के पास अगले महीने, जैसा कि आचार संहिता लगने वाली है तो हो सकता है इसके साथ वैकेंसीज यानी कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की अधिसूचना जारी हो जाए और भी जो वैकेंसीज पेंडिंग हैं उनका कैलेंडर भी जारी करवा दे या फिर RPC आयोग दोनों से जो है आपकी कैलेंडर भी जारी करवा दे। तो देखिएगा, खबर की बात करते हैं तो 12 बजे आज ये मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। ठीक है, और इसके बाद जो संभागीय आयुक्त वगैरह है, पुलिस अध्यक्ष तक परिवर्तित हो जाएंगे जो भी होगा। ठीक है, राजस्व विभाग ने नए जिलों के परिसीमन को अंतिम रूप दे दिया है। नए संभागों के नाम रहेंगे पाली, सीकर और बांसवाड़ा है। इसी प्रकार नए जिलों के नाम बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, डीग हो गया, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, नीम का थाना, फलोदी, सलुम्बर, सांचौर, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी और शाहपुरा है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 अगस्त से महिलाओं को ये भी साथ में, जो कि डिजिटल क्रांति आने वाली है, 10 अगस्त से महिलाओं के हाथों में फ़ोन होने वाला है और जो 11th 12th के जो बच्चियाँ हैं उनको भी दिया जाएगा फ़ोन, और 15 अगस्त से आपके फूड पैकेट देने की योजना पर भी मोहर लग जाएगी। पहले चरण में जो है 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा। तो आज ये आशंका जताई जा रही है आज मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, सबसे बड़ा जिलों की अधिसूचना को लेकर। दूसरा बात करें वैकेंसीज के का डिक्लेरेशन भी आज हो सकता है, कौन सी वैकेंसी है, क्योंकि जैसा कि पता है कि कल भी धरना था जयपुर में। उपेन्द्र यादव के हवाले से बात करें तो उन्होंने इस मंत्रिमंडल की बात भी की कि कल कुछ ज़रूर कुछ युवाओं के हित में हो सकता है। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, 12 बजे मीटिंग बुलाई गई है तो इसका निष्कर्ष निकल के 2-3 बजे के आसपास आ जाएगा। जैसे ही कुछ आता है हम आपसे फिर मिलेंगे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, प्यार ऐसे ही बनाए रखें, कमेंट जरूर कीजिएगा।